मोहब्बत से ज्यादा आजादी से प्यार है। लेकिन हम तो मुगल बच्चे हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं उसे मारे रखते हैं। अगले माह तक तुर्किस्तान के उलमा और मुतबरीन का एक वक्त इसी सिलसिले में यहाँ आने वाला है। इस मसले पर उसी वक्त सही गौर खोज हो सके। उस वक्त तक तुम हमारे मेहमान रहो। मुझे तुमने जंगल से उठाकर नई जिंदगी दी है, मेरे लिए वही काफी है। मेरी जिंदगी अब तुम्हारी है सजन। तुम्हारे वली रजा को भी मैं दे चंद हजार रुपयों में वर्कर्स ऐसे बिकते हैं तो मैं वार्न करता हूं कि तुम्हें मेरे सामने सियासी शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता। वालेकुम सलाम। आपका इसमें गिरामी वो भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अजनबी रहना चाहूंगा। मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में अभी रिसेंटली एक कानून नाफिज हुआ है। अरे साहब, कानून तो बनते ही तोड़ने के लिए। आखिर ऐसी क्या बात है जो मैं शोर की हैसियत से नहीं सुन सकता? मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से तुम बड़ी अजीब सी बातें करने लगे। मैं तुम्हें ये बता सकूं कि कौन सी खुशी आरजी है और कौन सी मुस्तकिल, क्योंकि जिस गहराई में मुझे साफ नजर आता है हो सकता है तुम्हें धुंधला नजर आए। तो राह में कांटे बिछा कर गई हो। आपके दिल में चाहत होती तो कांटे साफ करते हुए आ सकते थे। मुझे अपनी उंगलियां चलनी कराने का शौक नहीं है। और दूसरों का दिल चलनी हो जाए उसकी परवाह नहीं। तो तुम इतने आसान फरामोश निकलोगे? तुम बेरोजगार थे, मारे मारे फिर रहे थे, तुम्हें अपने साथ बिठाया, लेकिन तुम आस्तीन के सांप निकले। मैं किसी नामालूम शख्स से बात नहीं करना चाहता। बात नहीं, सिर्फ जवाब। शेरबानों की मर्जी के खिलाफ आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जवानी में सुस्त होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो बुढ़ापे में भी एक्टिव और चुस्त होते हैं। खैर, बहरहाल वेल डन। हमें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप उनसे इतनी मोहब्बत। हाँ यार, मुझे इस बात की बहुत शर्मिंदगी है, तुम्हें उस चीज का एहसास नहीं हो सकता। बहरहाल देखें, शायद कोई दूसरी सूरत नजर आ जाए। बाबर, तुम मेरे खास आदमी। मैं जब तुम्हें कोई काम कहता हूँ तो ये सोच कर कहता हूँ कि वो उसी तरह से होगा जैसे मैं चाहता हूँ। इस दफा कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। वकील साहब जिसके लिए जमा करके रखे थे वो ही नहीं है आज। क्या करूंगा इस दौलत को, सब पक्ष लगा दूंगा इस मुकदमे पर, लेकिन नाकामी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वकील साहब, इसके लिए मैं आपकी हर तरह से मदद कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश ये जरूर कीजिएगा कि उन बच्चियों को अपने माँ बाप की कमी महसूस न करें। मैं बहुत दूर की सोचता हूँ, तुम्हारी तरह पैरों की एड़ियों में अकल नहीं है मेरी। क्या जरूरत थी तुम्हें बच्ची के गले में पराई तोरी डालने की? अरे शुक्र है ये हमें अपना साया तो समझती है, वरना हम तो सायल ही रह जाते। जी। अच्छा, वो कॉफी चाहिए थी। तो हाँ, अब कैसे? क्यों, इसको क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, कल काफी टेंस था, समीन के साथ भी झगड़ा किया। अरे मैं तुम्हारा कोई दूर पर एक वाकिफ का था, घर का मुलाजिम था, कि तुमने कभी एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि उसका क्या बनेगा? डॉक्टर नाजिश, उसी ने मरवाया लोटे शाह को। उसको तो उसकी हरकतों ने मरवाया। खैर ठीक है, तुम जाओ। ठीक है साईं। मेरा दिल चाहता है कि मैं दोबारा उसके घर जाऊं और उस कमीने का सर ईंट से कुचल दूं।